अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या चाल है, कैसे हैं आप? ठीक है। आज हम लोग जा रहे हैं एक प्रेयर मीटिंग में और मैंने ये ड्रेस पहना है। ये न्यू बनवाया था मैंने और परसों टेलर से लेके आई, और इसके साथ ये दुपट्टा है। ये इसके साथ ये दुपट्टा है। हम लोग प्रेयर मीटिंग में जा रहे हैं आज, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हुई हुई है। बच्चों की तबीयत भी नहीं ठीक, तो फिर भी हमने कहा नहीं, हम लोगों ने मीटिंग में जाना ही जाना है। गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, और दिखाती हूँ अभी हम लोग निकलते हुए, एक बाहर का व्यू दिखाती हूँ आपको। गाइस साहब, हम लोग आ गए हैं प्रेयर मीटिंग में, इधर गीत वगैरह लगे हुए हैं। मैं आपको सारा सेटअप दिखाती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी टीम, हमारे पास्टर्स यूके से यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं,
और हम सब उनके जेरे साया पास्टर एवेंजेलिस्ट मुबशर सब मिलकर जो है इस बात को जो खुदावंद को पसंद है उसको खुदावंद की हजूरी और उसकी मामूरी के लिए हम सब इस्तेमाल हो रहे हैं कि हम खुदावंद के लिए इस्तेमाल हों। और मैं ये चाहता हूँ कि आज जितना यहाँ पर पंडाल है इसमें जितने लोग आए वो सब खुदावंद खुदा की उस रूहानी नेमत से कि वो रूह से पैदा होते हुए रूह में जिंदा होकर रूह के कामों को करें, क्योंकि जिस्म जो है ये खुदावंद का जलाल देने के लिए हमें दिया गया है और यीशु मसीह ने आकर हमें रूह में जिंदा किया है ताकि हम रूहानी तौर पर जिंदा हों। आए हम सब इस मकसद के लिए और अपने मेहमानों के लिए पावरफुल खादमों के लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद उनको बड़े कुदरत के साथ और बड़े आग का शोला बनाकर अपनी हजूरी अपनी मामूरी में इस्तेमाल करें। सब अपने अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद खुदा की कुदरत को उसकी हजूरी को उस मामूरी को महसूस करें। खुदा बाप खुदा बेटे तेरे बेटे यीशु का शुक्रिया अदा करते हैं जिसके नाम से हमारी दुआ सुनी जाती है, जिसके नाम से ऐसी शान से मसीह आ रहा है।
जलाली काम हो, मौज से हो,
Jesus. I want you to see a change. Hallelujah. Hallelujah. And Lord, I praise you. Lord, I praise you. Oh Lord, I praise you. I don't know about you guys. I don't know about you guys, but these people are happy. Y'all the Lord happy. Hallelujah. Where is your church? You're a mighty God. You're a wonderful God. बुरी बात
थैंक यू सो मच. सो आई हैव टू सन्स, मेरे दो बेटे हैं, राइट हैंड साइड पर राफेल एंड लेफ्ट हैंड साइड पर एरन. थैंक यू सो मच चर्च एंड आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू. जितने लोगों ने मुझे यहाँ पे वेलकम किया है, मैं सारी टीम के लिए, स्पेशली मैं वर्शिप टीम का खुदा का शुक्र अदा करता हूँ. वर्शिप टीम के लिए, पास्टर आसिफ एंड टीम के लिए, मैं चाहता हूँ अगर आपने वर्शिप सुनी है, जो प्रस्तीश आपने की है, तो आप जोरदार तालियां बजा सकते हैं, बिकॉज मैन ऑफ गॉड डिजर्व द ऑनर. अगर आम लोग आप उनको एक गुना ऑनर करते हैं, तो मैन ऑफ गॉड जो है वो डबल ऑनर के लायक है. बाइबल कहती है, हालेलुया. सो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, चर्च, आई विल ऑनर द मैन ऑफ गॉड पास्टर सुशील, उनकी वाइफ के लिए, लैम फेलोशिप के लिए, और जितने पास्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जो डिफरेंट चर्चेस के से आए हैं, उस प्यार को शेयर करने के लिए. सो मैं आप सबकी लाइफ के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ. इतनी कुर्बानियां, इतने जज्बे जो इस मीटिंग के लिए किए गए हैं, पास्टर रुखसाना के लिए, उनके टीम के लिए. Come on, church. If I said pastor, so they're supposed to be clapping. Thank you so much. Thank you so much. Hallelujah. So, आपकी जो clapping है, आपका आमीन है, वो आपके miracle को आपके पास लेकर के आएगा. Hallelujah. So, सारी लाहौर की इंतजामिया के लिए मैं कहना चाहता हूँ, जब मैं कराची की सरजमीन पर लैंड हुआ, तो मुझे वहां पर एक मोहब्बत मिली जिन्होंने इस काम को शुरू किया, लेकिन लाहौर वालों ने पकड़ के इंतहा कर दिया. हालेलुया, जीसस, गॉड इज सो वंडरफुल एंड मार्वेलस. आई वांट टू ऑनर द मैन ऑफ गॉड, यहां पर तालियां कम लेने चाहिए. आई वांट टू ऑनर द मैन ऑफ गॉड पास्टर लकी. हालेलुया. And the spirit of the Lord speaking to me right now. खुदा करो मुझसे बोल रहा है, और पाखरू के द्वारा कुछ खास वर्ड मुझे सिखाए गए हैं, जो कि हम उधर यूज करते हैं, इधर नहीं करते, लेकिन यहाँ के खुदा की रूह की तारीख से. By the spirit of God, I don't understand you guys, but वो बोल रहा है, वो कह रहा है कि मैं आज यहाँ पर mighty, ताकतवर, वो काम करने के लिए आया हूँ जो आज से पहले यहाँ पे हुआ नहीं. मेरे सामने कुछ लोग हैं, लगिया साला बड़ी अंधारी तेरा. थैंक यू जीसस. I want to honor the man of God. और यहाँ पे भी ताली कमले होने चाहिए. पास्टर काबरन की ऑल द फेवरेट पोएट. A wonderful woman of God, Mrs. Sushil, Pastor Deepa. Now, unki life ke liye, please, taliyan kahan hai aapki? What is ground ki shaan hai, church. Hallelujah. Hallelujah. Oh Lord, I praise you. Meri, thank you so much, hamari ye puri team, jinhone is program ko arrange kiya, aur main Karachi team ke liye chahta hoon ki zordar taliyan bajayi jaye. अहमदाबाद के टीम पास्टर मजहर के लिए, हालेलुया. और जितने पास्टर्स हैं ऑल अराउंड द ग्लोब, जितने मुझे देख रहे हैं, चर्च, आई वांट टू टेल यू समथिंग टुनाइट. टुनाइट इज द नाइट ऑफ सुपरनैचुरल मिरेकल्स. मैं आपको कह रहा हूँ, आज आप सेम जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि खुदा ने कहा जय हजूर में खड़ा है. ओ जीसस, तेरी हजूरी में खड़े मुझे एक जगह पे आप स्टेबल कर दे, और मुझे जैसे स्केल या म्यूजिक होता है, तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट होता है. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया.
I would like to honor my man of God. मैं अपने आत्मिक पिता को, अपने रूहानी बाप को ऑनर करना भूल नहीं सकता. मैं चाहता था. That is the reason I have got many sons and daughters. Oh Jesus, I want to honor the man of God, my spiritual father. और यहाँ पे मैं आपकी शान देखना चाहता हूँ. Prophet, you the angel. मैं बताना चाहता हूँ. A man of God. He is my man of God. मुझे वो दिन याद आता है जब मैं तैयार हो रहा था. थैंक यू. ये अच्छा है, ये अच्छा. जब मुझे लंदन के अंदर इत्तेफाक हुआ कि बेन हिंद वाज देयर, खुदा के अजीम खादम बेन हिंद वाज देयर, सो मैंने सोचा खुदावन कैसे हो सकता है इतना बड़ा क्राउड है और मैं जाकर के सामने सीट पे बैठ जाऊं. हाउ वाओ, कैसे हो सकता है. और जब मुझे बताया गया कि आपको आज आगे ले जाया जाएगा, ट्रस्ट मी, आप सबकी तवज्जो चाहता हूं. आई नीड योर अटेंशन प्लीज. जो लोग पीछे हैं, और खुशी की बात यह है, क्राउड बहुत अच्छा है. क्राउड के लिए कुछ फीस दिया जाए, इनके लिए हम यहां से तालियां बजाएंगे. हालेलुया. ओह जीसस. खुदा की हुजूरी को देखा है अपने साथ. जब वहां पे गए तो मुझे सात मर्तबा अनॉइंट किया गया खुदा के खादम बेन हिंद के द्वारा. कम ऑन चर्च. हालेलुया. हालेलुया. जब मैं व्हेन आई वाज देयर, और मैं वहां पे था लेकिन जमीन पर नहीं था. आई वाज इन द एयर. मैं हवा में ऐसे मालिक था और मुझे लोग पकड़ रहे थे और मुझे पता नहीं था. दैट वाज फॉर यू गाइस. अनॉइंटिंग ए गिफ्ट ऑफ चर्च एंड इट इज फॉर द पीपल ऑफ गॉड, नॉट फॉर मी. ओह जीसस. और यहाँ पे मुझे राइट नाउ कुछ आवाजें आना शुरू हो चुकी है. खुदा मुझसे ऐसे ही बात करता है. दिस पार्ट जो मुझे नजर आ रही है यहाँ पर, देर आर सम पीपल अराउंड दिस एरिया बिकॉज दे आर टू सेंसिटिव. वो खुदा की हजूरी के लिए बड़े हसास है. यहाँ पे मुझे कुछ हार्ट, कुछ किडनी नजर आ रहे हैं जो आज हील और डिलीवर होने वाले हैं. जिन्होंने मुझे पाला, मैं उनको ऑनर करना चाहता हूँ. इज माय ब्रदर ब्रदर जावेद गिल. हेलो चर्च चर्च. और मेरी मिसेस एक बात कहना चाहती है. मैं चाहता हूँ हम दोनों मिलकर के उनको ऑनर करें. वी द प्रोडक्ट ऑफ मेनी अनॉइंटिंग. हम दोनों अलग अलग घराने से, लेकिन परमेश्वर ने हमें जोड़ा है और हम अपने पेरेंट्स का ऑनर करना चाहते हैं. पास्टर श्री गुप्ता, कैन यू प्लीज. हालेलुया.
हालेलुया हालेलुया चर्च हालेलुया की हजूरी यहाँ मौजूद है और खुदावंद का जलाल यहाँ आप लोगों के आने से है क्योंकि आप लोग खुदावंद की हजूरी से यहाँ भर कर जाने वाले हैं। आज एक बड़ा काम होने वाला है। अपने अपने दिलों पर हाथ रख के कहना शुरू करना कि आज खुदा ने मेरी जिंदगी में काम करना है, आज खुदा ने मेरे लिए बात करनी है। इसी वक्त जहां जहां एंड तक भी अगर आप खड़े हैं तो आपकी जिंदगी में आज काम होगा। दुनिया में सबसे बड़ा मौजा पता क्या है? जब किसी की इग्नोरेंस कंफ्रंट होती है, शैतान बेवकूफ बना के मारना चाहता है। खुदा के पास कमी है। आपका खुदा कभी किसी ने सुना है? खुदा जो है ही इज लैकिंग समथिंग। खुदा वो कह रहा है कि मैं हालेलुया लोग कहेंगे जी इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी सदा खुदा सब कुछ कर सकता है। आई नो वो सब कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया तो सर कहने कितो आगे पादरी गॉड कैन नॉट लाई गॉड कैन नॉट चीट माय गॉड इज सो पावरफुल वो कभी चीट नहीं कर सकता लेकिन उसके पास कमी है। वहां पे खुदा मजबूर हो जाता है। कहां पर सब लोगों ने कहां पर एवरीबॉडी नाउ अगेन फिर से नाउ आउट ऑफ द रूम कहां पर जहां पर सच्चे परस्तार नहीं मिलते। हालेलुया गॉड इज स्पिरिट खुदा रूह है और वो चाहता है उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रशिश करें। प्रशिक्षण देखो कुछ लोग जिनके लंग्स में प्रॉब्लम है। हालेलुया इस एरिया में कुछ लोगों को सांस का प्रॉब्लम होता है, उनके हार्ट और लंग्स वीक हैं। एंड द लॉर्ड इज शोइंग मी हालेलुया परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि यहाँ पे कुछ लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है, उनके लंग्स वीक हैं। हालेलुया स्पेशली जब टेस्ट होती है तो उनको और मसला होता है। सुनो घर से अगर कोई ऐसे शख्स पे मौजूद है सुनो घर से द पावर ऑफ गॉड इज ऑलरेडी टचिंग समबडी। ओ देखो 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 चूरिया 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 पावर ऑफ गॉड इज टचिंग। व्हाई यू आर नॉट सेंसिटिव व्हाइल द प्रेजेंस ऑफ गॉड उसका मैार मैन ऑफ गॉड ने आपको तैयार किया उस रूम को टच करने के लिए जिस पर खुदा रहता है। हालेलुया मैंने कहा आई नीड अ वाटर क्योंकि खुदा की रूह पानी की सतह पे जंबश करती थी और हमारी बॉडी में 70% पानी है। इमेजिन करो जब खुदा पानी की सतह पे जंबश कर रहा था व्हाट वाज हैपनिंग देयर। अगर मेरी बॉडी में 70% पानी है सो समथिंग वाज हैपनिंग ऑन दिस वाटर व्हेन गॉड वाज सेइंग कोई प्रोसेस हो रहा था। आप और मैं बन रहे थे चर्च फ्रॉम दैट वाटर। हालेलुया सो आज जो है प्रेस्टीज का मैार पास्टर आसिफ ने ऑलरेडी बहुत ऊंचा कर दिया। हालेलुया वंडरफुल मैन ऑफ गॉड। और मैं आपको चीज बताऊं ना मुझे सुर का पता ना मुझे ताल का पता ये पता मुझे कि मेरे परमेश्वर का कौन सा रंग है उसे क्या पसंद है। हालेलुया क्योंकि मैं सच्चे परस्तार हूं क्या चर्च मेरे जब कहा ना हम हैं तेरी प्रजा। प्रजा का मतलब क्या होता है प्लीज कैन यू प्रजा हिंदी का वर्ड इसका मतलब मेरे लोग जो उसकी बरसात में रहते हैं। अगर आप उसकी प्रजा हैं अगर आप उसके लोग हैं तो फिर बादशाह तो बनाओ उसको। अब जब हम कहेंगे ना हम हैं तेरी प्रजा तो यू मीन इट व्हेन आई सेड यू मीन इट इसका मतलब है कि आप अब जो बंदा दिल से कहने वाला है The Lord is ministering me. गुजरी नाइट कल की रात आप एक बेटी हो लास्ट नाइट आई सो यू आर इन योर रूम आप अपने रूम के अंदर बैठे
बैठी थी और आज की मीटिंग की बातें कर रही थी। मेरे साथ पता नहीं बात होनी है कि नहीं होनी। हालेलुया, मैं आपको कह रहा हूं हालेलुया। आपका नाम एस से आता है, लेंक हो डाका लिया जिया। मैंने इस पल के अंदर मूव करना है और मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, बिकॉज मुझे खुदा के रूह ने कहा है मैं तैयार हूँ। इनसे पूछो कि ये लोग तैयार हैं। अगर आप लोग तैयार हैं तो फिर थोड़ी सी प्रस्तुति इस लाइन में होनी चाहिए। हालेलुया, कोई सारे सायमा है, सायरा है, सायरा सायमा है, ऐसे कुछ नाम मेरे साथ आता है। परमेश्वर आत्मा आपकी लाइफ में बड़ा काम करने जा रहा है। कल रात की प्रॉब्लम है आपको, हालेलुया हालेलुया, आपके घर में प्रॉब्लम है, परमेश्वर आत्मा आपको रहाई देने वाला है। और मैं कह रहा हूं सॉरी आपने डिस्क्रिप्शन के साथ आना है, सारा बहुत सारी उसी के लिए डिस्क्रिप्शन दूंगा फिर आना। हालेलुया, सुनो सब लोग बोलेंगे हालेलुया, सब लोग बोलेंगे हालेलुया, आप
आप एक स्पिरिट के साथ लड़ रही हो और वो आपको सुसाइड करवाना चाहती है, उसने आपको कहती है कि सुसाइड कर ले, क्योंकि मैं बता रहा हूं जब आप उस केस को नहीं करती, मैंने आपको हॉस्पिटल में देखा, मैंने आपके घर में बंदा लगा देखा है और तुम्हें शिकायत आज आपको हिल करने जा रहा है, दो शख्स आपके लेफ्ट और राइट पे खड़े हैं, दो शख्स खड़े हैं, हालेलुया, दो लोग आपके लेफ्ट और राइट पे खड़े हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? God is going to do map. इसके अलावा दो लोग देखता हूँ आपके लेफ्ट और राइट पर हैं, और आज खुदा करूं जिस तरीके से काम करने वाला है आपके पांव की बेड़ियां भी खुलेंगी, मैं बता रहा हूँ आपको, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। और कुछ लोग जितने लोग चाहते हैं आज हील हो आपके सामने राइट दिस मोमेंट, और जितने लोग अगर आप कोई बीमार लेकर के आए हो, मैं चाहता हूँ फर्स्ट रो में सारे जो जिनको प्रॉब्लम है बीमारी का सब लोग सामने आएंगे, थोड़ी सी प्रस्तुति होगी, उसके बाद हम लोग मैं फ्लो के साथ चलना चाहता हूँ। हालेलुया, आंखों के रोगी आगे आ जाए, जब इच्छा हो इसे, हालेलुया, मैं देख सकता हूँ, वाओ, लेकिन कोशिश करो ना कि जितने और लोग हैं उसको हर शख्स कमान, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ यहाँ पर, पता नहीं कितने लोग मुझे जानते हैं कि नहीं जानते, मैं आपको जानता हूँ बादलों के द्वारा, चल हालेलुया, अब प्रेस्टीज का वो लेवल आने वाला है जिसमें आपकी ही डिलीवरेंस होगी, और हमारी जो टीम है प्लीज पास्टर लेजी की टीम के साथ में कोऑपरेट करें, फिर आप लोग सब लोग आगे हैं, मैं कैसे नीचे उतरूंगा, मैंने नीचे उतर जाके ऊपर ले हैंड करने हैं, ये मैं बता लो आप पीछे हटे, आप पीछे हटे, आप इस साइड पीछे हटे, जो सिर्फ इनके पीछे खड़े हैं, वहां से यहां तक का पहाड़ सुनाता हूँ, मुझे बात कहता आपके सॉरी, मैंने जल्द जो हमारा जो चर्च है वो इंडिया से, हमने इंडिया में इतनी प्रीति की है, इस वजह से मुझे गाइस हम लोग अभी आए हैं प्रे मीटिंग से वापस घर पे, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।